है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। इन दिनों फिरोजाबाद में यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सुबह शाम की पालियों में चल रही हैं, जिसको लेकर डीएम नेहा शर्मा के कड़े निर्देशन में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी व ड्यूटी पर तैनात केंद्र व्यवस्थापक की नज़र में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। आज हमारी टीम द्वारा नगला सदासो कूरीकूपा में श्री गुरुदयाल सिंह इंटर कॉलेज में जाकर सर्वे किया गया, जहां कड़ी चेकसी और हर कक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे की नज़र के बीच परीक्षाएं दी जा रही थी। इस बारे में केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर नवनीत कुमार यादव ने बताया कि अभी तक कोई बच्चा नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया, व्यवस्थाएं सटीक हैं, कड़ी निगरानी में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपको? डॉक्टर अमनीश बाबू यादव। सर, आप जो आज आपकी एग्जाम में ड्यूटी पड़ी है, सर किस कॉलेज में पड़ी है और किस प्रकार से बच्चों को डील किया जा रहा है यहाँ पर, कैसी क्या व्यवस्थाएं बच्चों के लिए? गुरुदयाल सिंह इंटर कॉलेज में ड्यूटी पड़ी है और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के रूप में, और यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सख्ती के साथ परीक्षाएँ और शांतिपूर्वक तरीके से हो रही हैं और सही व्यवस्थाएं बिल्कुल विधिवत और सुदृढ़ हैं। कोई बच्चा सर नकल बगल कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं बच्चा पाया गया जो नकल करते हुए या किसी भी तरीके से, बहुत ही सघन निगरानी के साथ कार्य किया जा रहा है और बहुत अच्छा पेपर था।